हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन्स हैं और ये कौन कौन से बोन हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम कुछ 5 क्वेश्चंस देंगे, आपको उन 5 क्वेश्चंस का कॉमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इससे पहले वीडियोस में मैंने एक्सियल स्केलेटन साथ ही साथ स्केलेटन सिस्टम, ये दोनों टॉपिक्स को कवर किए हैं, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। अब देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं, तो देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन की संख्या कितनी होती है, 126 होते हैं। और ये स्केलेटन सिस्टम जो है, ये स्केलेटन सिस्टम काम क्या करता है, तो ये स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडीज़ को एक शेप प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडीज़ को एक फ्रेम देता है। और इसमें बोन की संख्या कितनी होती है, तो टोटल बोन की संख्या 206 होती है, जिसमें 80 बोन होते हैं एक्सियल स्केलेटन के और 126 बोन होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के। 126 बोन होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के। अब देखो पर्टिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं, तो अपेंडिकुलर का मतलब हुआ उपांगीय, मतलब हम लोग उपांगीय कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं, तो जिसमें टोटल बोन्स हो गए 126। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब कि एक्सिस को छोड़ के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि मेरा हाथ का पार्ट, पैर का पार्ट, ये दोनों पार्ट्स एक्सिस को छोड़ के हैं, तो ये सब हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में पढ़ेंगे। हाथ वाले और पैर वाले पार्ट्स को हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में पढ़ेंगे। अब देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को समझने से पहले हम लोग एक टॉपिक्स को पढ़ते हैं, एक छोटा सा पढ़ते हैं, जिसको समझने के बाद हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम पे आएंगे। तो देखो एक लिम्स और गर्डल को समझते हैं, ये लिम्स और ये गर्डल क्या होता है। तो देखो लिम्स का मतलब होता है पाद और गर्डल का मतलब होता है मेखलाए। लिम्स का मतलब होता है पाद और गर्डल का मतलब मेखलाए। ये लिम्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो एक होते हैं अपर लिम्स और दूसरे होते हैं लोअर लिम्स। अपर लिम्स मतलब ऊपर वाला पार्ट, जैसे कि हम लोग हाथ की बात करते हैं, तो ये हो गया मेरा अपर लिम्स, ऊपर वाला पार्ट हो गया ना, तो ये हो गया मेरा अपर लिम्स। और लोअर लिम्स मतलब पैर की बात करते हैं, तो ये लोअर लिम्स में आ गया मेरा पैर। अपर लिम्स और लोअर लिम्स समझ में आ गया, लिम्स दो प्रकार के होते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स मेरे हाथ की बात करते हैं और लोअर लिम्स में हम लोग पैर की बात करते हैं। अब देखो ये गर्डल समझते, ये मेखलाए क्या है, तो ये मेखलाए एक प्रकार का सॉकेट होता है, ये सॉकेट, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो आपका हाथ है ना, ये आप पूरा हाथ देखेंगे, आप खुद के हाथ को पूरा देखें तो आप देख पाएंगे कि आपका पूरा हाथ कहीं ना कहीं, आपका पूरा हाथ कहीं ना कहीं पे फंसा हुआ है। पूरा हाथ या पूरा पैर जो है वो देख पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं जाके फंसा हुआ है। तो ये जो मेरा हाथ फंसा हुआ है, तो मेरा हाथ कहाँ पे जाके फंसा हुआ, तो शोल्डर के पास फंसा हुआ है ना, तो उसे हम बोलेंगे शोल्डर गर्डल। और मेरा जो ये पैर है, मेरा जो या फिर आपका जो पैर है, वो देख पाएंगे कि आपका पैर कहाँ पे फंसा हुआ है, तो आपका पैर देखेंगे कि वो पैल्विक में फंसा हुआ, तो वो पैल्विक गर्डल हुआ। तो इस तरह गर्डल भी दो प्रकार के होते हैं, गर्डल क्या होते हैं, तो एक प्रकार का सॉकेट होता है, ओके, जिसमें कोई पार्ट्स, जैसे कि हाथ के पार्ट्स फंसे होते हैं, पैर के पार्ट्स फंसे होते हैं। ये गर्डल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, शोल्डर गर्डल और पैल्विक गर्डल। ये समझ में आ गया, दो प्रकार के होते हैं, शोल्डर गर्डल और पैल्विक गर्डल। अब देखो हम लोग लिम्स की बात करते हैं, तो देखो अपर लिम्स में हम लोग किसकी बात करते हैं, लिम्स दो प्रकार, अपर और लोअर। अपर लिम्स में मतलब हम लोग हाथ की बात करते हैं, तो देखो हाथ में अगर हम लोग बोन देखेंगे, अगर हम लोग सिर्फ अभी बोन की बात करते हैं, बोन देखेंगे तो हम लोग फाउंड करेंगे कि हाथ में टोटल बोन जो होते हैं ना वो 30 होते हैं, टोटल बोन जो होता है ना वो 30 होती है, ठीक है। और एक हाथ में 30 हुआ तो दूसरे हाथ में भी 30 होगा,
इस तरह 60 हो जाएगा अपर लिम्स में, अपर लिम्स में हो जाएगा 60 बॉन। उसी तरह अगर हम लोअर लिम्स की बात करें, लोअर लिम्स की बात करें तो लोअर लिम्स में मतलब मेरा पैर आ गया, तो हम लोग पैर की बात करेंगे। तो देखो इसमें पैर में भी एक पैर में 30 बोन्स होते हैं। कौन कौन से बोन्स होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो बोन कौन कौन से होते हैं और वो बोन कहाँ कहाँ पे होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी बस इतना जान लो कि लोअर लिम्स जो है उसमें बोन की संख्या कितनी होती है, 30, वो एक लेग में होती है, तो दोनों लेग में मिला के 60 बोन हो जाएगी। तो 60 और 60 पार्टिकुलर मेरे जो लिम्स है उसमें हम कह सकते हैं कि लिम्स में बोन की संख्या कितनी होती है, 120 होती है। लिम्स में कितने बोन हो गए, 120 बोन हो गए। तो अब कितने बोन बचे, तो 6 बोन बचे। अब हम लोग बात करेंगे गर्डल मेखलाए की। तो देखो गर्डल जो होते हैं ना, गर्डल ये दो प्रकार के होते हैं, शोल्डर गर्डल और पैल्विक गर्डल, शोल्डर गर्डल और पैल्विक गर्डल। शोल्डर गर्डल में दो प्रकार के बोन होते हैं, शोल्डर गर्डल में दो प्रकार के बोन होते हैं, क्लेबिकल बोन और स्कैपुला बोन। शोल्डर गर्डल में दो प्रकार के बोन होते हैं, क्लेबिकल बोन और स्कैपुला बोन। क्लेबिकल बोन और स्कैपुला बोन दो बोन हो गए। ये दोनों बोन दो और दो एक साइड हुए और वही दो बोन एक साइड हुए, तो कितना हो जाएंगे, 4 बोन। कितना हो जाएंगे, 4 बोन हो जाएंगे। और ये जो मेरा है पैल्विक गर्डल, पैल्विक गर्डल में दो बोन हो जाएंगे। पैल्विक गर्डल में कितने बोन हो जाएंगे, दो बोन हो जाएंगे। कौन कौन से बोन वो मैं आगे अभी थोड़ी देर बाद ही बता रही हूँ। इस तरह मेरा गर्डल में कितने बोन हो जाएंगे, 6 बोन। 6 बोन में 4 बोन हो जाएंगे मेरे शोल्डर गर्डल में और 2 बोन हो जाएंगे मेरे पैल्विक गर्डल में। यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि 126 बोन है, जिसमें 120 बोन मेरा आ गया लिम्स में और 6 बोन आ गया मेरा गर्डल में। अब देखो लोअर लिम्स में 60 बोन, अपर लिम्स में 60 बोन, साथ साथ में शोल्डर गर्डल में 4 बोन और पैल्विक गर्डल में 2 बोन्स। इस तरह मेरा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का 126 बोन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब एक नया टॉपिक होगा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो देखो इसमें कुछ पहले पॉइंट्स लिखेंगे, एग्जाम में लिखने हैं तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और इसके बाद इसको समझेंगे। तो पहले लिखेंगे इट फॉर्म द अपेंडिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडीज़ का अपेंडिकुलर पार्ट को फॉर्म करता है एंड ये अपेंडिकुलर पार्ट को एक डिफिनिट शेप भी देता है। साथ साथ में लिखेंगे इट हैज़ इंक्लूड, मतलब इट हैज़ इंक्लूड फर्स्ट, फर्स्ट कौन लिखेंगे, तो लिखेंगे शोल्डर गर्डल एंड अपर लिम्स, शोल्डर गर्डल और अपर लिम्स और पैल्विक गर्डल, दूसरा पैल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स। ये देखो अभी हम लोग तुरंत समझे कि शोल्डर गर्डल, गर्डल का पार्ट्स है शोल्डर गर्डल जिसमें 4 बोन है, तो ये शोल्डर गर्डल। और अभी तुरंत समझे हैं अपर लिम्स, तो ये अपर लिम्स हो गया और ये शोल्डर लिम्स। इसको आप पिक्चर में देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको देखिएगा कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप लोगों को पार्टिकुलर दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो शोल्डर गर्डल है, यहाँ पे यहाँ शोल्डर गर्डल में कितने बोन होते हैं, 4 बोन होते हैं। तो वहाँ पे आप पार्टिकुलर देख पा रहे होंगे कि क्लेबिकल में एक क्लेबिकल है और एक स्कैपुला है, दो बोन हो गया। शोल्डर गर्डल में क्लेबिकल और स्कैपुला दो बोन हो गया, ये हो गया मेरा एक हाथ का, एक हाथ का दो बोन हो गया। अब मेरा है अपर लिम्स, अपर लिम्स शोल्डर गर्डल हो गया, अब है मेरा अपर लिम्स। तो देखो अपर लिम्स में हम लोग लिखेंगे, अपर लिम्स में लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, देखेंगे देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा बाँह है, बाँह के पास जो बोन है, बाँह के पास जितने बाँह में जो बोन है वो बोन है मेरा हुमरस। उस बोन का क्या नाम है, हुमरस। और उसके बाद बाँह के बाद जो, जिसको हम पार्टिकुलर हाथ कहते हैं, वो हाथ कहते हैं, उस बोन को क्या कहेंगे हम लोग, तो उस बोन को कहेंगे रेडियस
और दूसरे वाले को अल्ला, एक बॉन्ड को कहेंगे रेडियस और एक बॉन्ड को कहेंगे अल्ला। हाथ में दो बॉन्ड होते हैं, आप अपने हाथ को मूव करके घुमा के देखिए तो देख पाएंगे कि यहाँ पे टू बॉन्ड्स होते हैं, जिसके कारण मेरा हाथ जो है ना, खुद का हाथ, वो थोड़ा सा मूव करता है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो जहाँ पे रिस्ट, जहाँ पे हम लोग रुद्राक्ष या फिर राखी बांधते हैं ना, वहाँ पे आप देख पाएंगे, तो वहाँ पे देखो हुमरस भी एक बॉन है और रेडियस भी एक बॉन है और अल्ना भी एक बॉन है। अब हम लोग बात करते हैं रिस्ट की, रिस्ट की मतलब कलाई की। तो आप कलाई में देख पा रहे होंगे, कलाई में देख पा रहे होंगे जिसको हम लोग कार्पल बॉन कहते हैं। इसमें बॉन की संख्या कितनी होती है, तो बॉन की संख्या 8 होती है। कार्पल में बॉन की संख्या 8 होती है। और ये अब है मेरा फैलेंजोस, सॉरी मेटाकार्पल, अब है मेरा मेटाकार्पल। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेटाकार्पल यहाँ पे जो हाथ की जो देख, हाथ को आप मोड़े मोड़ेंगे तो देखेंगे कि पांच पांच बोन ऐसे हैं जो फिंगर के पास जा रही है। तो वो जो 5 बोन है, उस बोन को हम लोग कहेंगे, उस बोन को कहेंगे मेटाकार्पल। वो मेटाकार्पल वहाँ पे 5 बोन है, वो जो है वो मेटाकार्पल है और वहाँ का जो बोन है वहाँ पे 5 बोन है। ओके, अब जो मेरा फिंगर है, फिंगर में टोटल बोन कितने होते हैं, 14 होते हैं। फिंगर को हम लोग फैलेंजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलेंजर्स कहते हैं। अब यहाँ पे टोटल 14 बोन है, यहाँ पे टोटल 14 बोन है। यहाँ पे जब आप खुद की उंगली को मोड़ेंगे, एक उंगली को सीधे करें और उसके बाद उसको मूव करें, तो देखेंगे कि वो 3 भागों में मतलब अलग अलग तरह से है। तो वहाँ पे देख पाएंगे, मतलब सारे उंगली के अच्छे से काउंट करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे 14 बोन, आप अच्छे से काउंट, मतलब वहाँ पे 40 बोन है, पार्टिकुलर 40 बोन है आपके फैलेंजर्स में। इस तरह ये हो गया मेरा एपेंडिकुलर स्केलेटन का अपर लिम्ब्स एंड शोल्डर गर्डल और अपर लिम्ब्स, शोल्डर गर्डल और अपर लिम्ब्स का एपेंडिकुलर स्केलेटन का फर्स्ट जो था मेरा शोल्डर गर्डल और अपर लिम्ब्स। तो ये इसका इस ये सारे बोन्स हैं, क्लेबिकल, एस्केपुला, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजर्स। इन सारे बोन्स को देखेंगे तो अपर लिम्ब्स में टोटल 30 बोन्स हो गए और शोल्डर गर्डल में टोटल कितने बोन हो गए, 2 बोन हो गए। अब देखो ये टोटल 32 बोन हो गए। अब हम इसी तरह अपने दूसरे हाथ की बात करेंगे तो काउंट कर पाएंगे कि जिस तरह इसमें 32 बोन है, उसी तरह मेरे नेक्स्ट हैंड में 32 बोन होंगे, मतलब टोटल हो जाएगा मेरा 64 बोन, टोटल हो जाएगा मेरा 64 बोन, मतलब अपर लिम्ब्स एंड शोल्डर गर्डल में मेरे टोटल बोन हो जाएंगे 64 बोन। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पैल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब्स की। तो देखो पैल्विक गर्डल ये हमारा पैर वाला पार्ट्स है। देखो सबसे पहले तो ये जो पैल्विक है, यहाँ पे जो पैल्विक दिख रहा है ये पार्टिकुलर पैल्विक है और इसमें 2 बोन होते हैं। पैल्विक गर्डल में कितने बोन होते हैं, तो पैल्विक गर्डल में 2 बोन होते हैं, लेकिन इसमें एक बोन में 3 हड्डियाँ होती है। एक बोन में मतलब हम कह सकते हैं कि 3 हड्डियाँ होती है, जो सबको मिला के हम लोग एक बोन बोलते हैं। 3 हड्डियाँ होती है पैल्विक गर्डल में, 3 हड्डियाँ होती है, उन सबको मिला के हम लोग कहते हैं कि ये पार्टिकुलर एक बोन हुआ। तो वो 3 बोन कौन कौन से हुए, तो वो 3 बोन हैं कॉक्सल, इनोमिनेट और हिप बोन। ये तीनों बोन हैं, इन तीनों बोन को मिला के एक बोन बनता है, किसमें, पैल्विक गर्डल में। इन तीनों बोन को मिला के हम लोग कहते हैं कि ये एक बोन है। इस तरह पैल्विक गर्डल में 2 बोन हुए। और अब मेरा है लोअर लिम्ब्स, तो लोअर लिम्ब्स मतलब पैर वाला। तो देखो पैल्विक गर्डल से सटके, मतलब पैल्विक गर्डल के नीचे आप देख पा रहे होंगे तो ये पैर का बोन है, पैर का बोन है। तो ये जो पैर का ऊपर वाला थाई वाला जो बोन है, उसको हम लोग कहते हैं फीमर, उसको हम लोग कहते हैं फीमर। और उसके नीचे जो है, जिसको हम लोग पार्टिकुलर पैर है, जो चलने में ज़्यादा सपोर्टेबल होता है, वो वहाँ पे 2 बोन होते हैं।
वहाँ पे भी दो बोन होते हैं और उससे ऊपर जो होता है जो कि ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि पैर, मतलब पैर और थाई जो है वहाँ बीच में एक ज्वाइंट होता है जिस वहाँ पे मतलब नी ज्वाइंट होता है, तो वहाँ पे एक बोन होता है मेरा पैटिला। तो मेरा एक बोन हो गया फीमर और एक बोन हो गया पैटला, और उसके बाद उसके नीचे हम लोग देखेंगे कि दो बोन हैं, कौन कौन से, तो फीमर बोन है, फीबुला बोन है और टीबिया बोन है। दो बोन है, फीबुला और टीबिया। उसके बाद हम लोग जिस तरह हैंड में पढ़े थे कि जो मेरा जिस तरह मेरा हम लोग हैंड में पढ़े थे कि ये कार्पल है, जिस तरह हम लोग हैंड में पढ़े थे कि कलाई पे पढ़े थे ना कि ये कार्पल बोन है, उस तरह यहाँ पे मेरा हो जाएगा टार्सल बोन। यहाँ पे हो जाएंगे टोटल टार्सल बोन। अब ये टार्सल बोन कितने होते हैं, तो पैर में टार्सल बोन की संख्या होती है 7, पैर में टार्सल बोन की संख्या होती है 7। और अब आएगा मेरा मेटा टार्सल जो कि मेरे पार्टिकुलर जिसमें हम लोग चलते हैं ना पैर, वो उसमें हम लोग का बोन हो जाता है 5, 5 फिंगर की ओर जाती है, तो वो हो जाता है मेरा 5 मेटाटार्सल बोन। और उसके बाद मेरा आ जाता है फैलेंजर्स। फैलेंजर्स में मेरा टोटल नंबर ऑफ बोन हो जाता है 14, टोटल नंबर ऑफ बोन हो जाते हैं 14। इस तरह देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन के हम लोगों ने बोन को पढ़ा। देखो फिर से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोगों ने क्या पढ़े कि लिम्स थे और गर्डल थे। लिम्स दो थे, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। गर्डल में कितने थे, शोल्डर गर्डल थे और पैल्विक गर्डल थे। तो देखो शोल्डर गर्डल में बोन की संख्या 4, पैल्विक गर्डल में बोन की संख्या 2, उसी तरह लोअर लिम्स में 30 और अपर लिम्स में 30। ये बोन थे, ये सारे बोन्स थे। अब उसके आगे हम लोग पढ़े फिगर के साथ कि ये बोन कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ पे बोन्स थे, और बोन थे तो वो बोन की संख्या कितनी थी। ओके, तो इसके बाद अब हम लोगों ने अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ लिया। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन अब ख़त्म हो गया। अब हम लोग 5 क्वेश्चंस देते हैं, आप 5 क्वेश्चंस को बनाना और उसके बाद आप इस क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में जवाब देना। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो आप देखते रहिए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।